अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बैंकिंग गाइड में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा और आप लोग उससे इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होंगे रिगार्डिंग बैंकिंग प्रोडक्ट्स और बैंकिंग जो चैनल्स हैं उनके हवाले से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो बिना किसी देरी के अभी हम बढ़ते हैं हमारी जो आज की नई वीडियो है उसकी तरफ। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है अल्फ़ा मॉल से हम लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन या फिर कोई और प्रोडक्ट कैसे इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद सकते हैं। अल्फ़ा मॉल बैंक अल्फ़ला का एक ऐप है या फिर आप उसे एक मॉल कह लें, जैसे कि दराज ऐप है वैसे ही बैंक अल्फ़ला की एक ऐप है उसे हम अल्फ़ा मॉल कहते हैं, जहाँ पे सारे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका बैंक अल्फ़ला आपके पास बैंक अल्फ़ला का क्रेडिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और उसमें लिमिट होनी चाहिए, आपके पास अवेलेबल लिमिट होनी चाहिए। जितने का प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उतने की आपके पास अवेलेबल लिमिट होनी चाहिए। तो चलते हैं अल्फ़ा मॉल की तरफ। ये अल्फ़ा मॉल की मेन स्क्रीन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट्स का पेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल के आईफोन्स, होमेज के प्रोडक्ट्स, इन्फिनिक्स के मोबाइल फ़ोन्स, टेक्नो के मोबाइल फ़ोन्स, ऑनर के मोबाइल्स, लिनोवो के प्रोडक्ट्स, इसके अलावा शाओमी एमआई के जो मोबाइल फ़ोन हैं, सैमसंग के मोबाइल फ़ोन और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि ओप्पो, इको स्टार के प्रोडक्ट्स, हायर के प्रोडक्ट्स, नैस गैस के प्रोडक्ट्स, कैनन के प्रोडक्ट्स, ब्लैक एंड डेकर के प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज़ हैं इनके पास जो कि आप इंस्टॉलमेंट पे इनसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। मेरे पास पहले से बैंक अल्फ़ला का क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो पहले मैं अपना अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने अपना अकाउंट साइन इन कर लिया है और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप कैसे एक प्रोडक्ट, एक मोबाइल फ़ोन इस अल्फ़ा मॉल के ऐप को यूज़ करते हुए आप कैसे ये परचेज़ कर सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन ऑन इंस्टॉलमेंट्स। तो हम शाओमी एम आई के मोबाइल फ़ोन की को परचेज़ करना चाहेंगे, देखते हैं कि एम आई के कौन से फ़ोन्स इनके पास अवेलेबल हैं। बल्कि जो मेन स्क्रीन के ऊपर जो मोबाइल फ़ोन आ रहा था रियलमी जो नया लॉन्च हुआ है, हम उसे ही बाय कर लेते हैं। रियलमी 9i हम ये वाला मोबाइल फ़ोन बाय करने की कोशिश करते हैं। ये लेकिन जनाब ये जो मोबाइल फ़ोन है रियलमी 9i ये अभी 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 रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है और अल्फ़ा मॉल के ऊपर 12 मंथ्स के लिए 0% मार्कअप। 0% मार्कअप से मुराद ये है कि आपसे कोई भी मार्कअप चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो प्रोसेसिंग फ़ी है 12 मंथ्स के लिए वो आपको चार्ज की जाएगी जो कि है 700 रुपये, 700 रुपये या फिर 2.5%, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको चार्ज किया जाएगा। रियलमी 9i जो है 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज के साथ आता है। साथ में इसके ये फ्री गिफ्ट जो है रियलमी के बर्ड्स क्लासिक ये भी आपको मिलेंगे। अब देखिए ये नीचे लिखा हुआ है कि आप कौन सा कलर बाय करना चाहेंगे। मैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू कलर। इसकी प्राइस है तकरीबन 42,000 रुपीज़। हमें आजकल अल्फ़ा मॉल के ऊपर एक वाउचर मिल रहा है जो है 1,000 रुपये सेविंग का, 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपने सिंपली ये वाला कोड यूज़ करना है AM2022। तो हम ये कोड का इस्तेमाल भी करेंगे। अब हम इसमें से इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कितने मंथ्स पे ये ख़रीदना है। तो देखिए 0% मार्कअप आ रहा है 12 मंथ्स तक। मैं 12 मंथ्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ये हमारी कार्ट में ऐड हो चुका है रियलमी 9i मोबाइल फ़ोन और अब हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। हमारा जो चेकआउट का पेज है वो ओपन हो चुका है।
और आपको दिखाई दे रहा है कि 41,999 इसकी टोटल कॉस्ट है, और जो शिपिंग चार्जेस आ रहे हैं वो हैं 200 रुपीज़। तो इसकी जो टोटल अमाउंट बन रही है वो 42,199 है। अब मैं वो जो वाउचर कोड की जिक्र मैंने पहले किया था, मैं उसे यूज़ करूँगा, जो कि था AM2022। अब अप्लाई डिस्काउंट के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। इससे जो है हमारी जो टोटल बिल है उसमें से ये 1,000 रुपीज़ लेस कर देंगे। देखिए अब ये 1,000 रुपीज़ डिडक्ट हो चुके हैं हमारे इससे डिस्काउंट की मद में, और अब हमारा टोटल है 41,199 रुपीज़। मैंने सिंपली इसे प्रोसीड करना है और इसके बाद देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अल्फ़ा की पेमेंट गेटवे की तरफ पहुंच चुके हैं, और अब इसमें मैं अगर सेलेक्ट करूं कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसे मैं सेलेक्ट करूं, तो मेरे क्रेडिट कार्ड से इतनी अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी। अगर मैं प्रोसीड विद पेमेंट करूंगा तो मेरे क्रेडिट कार्ड से इतनी अमाउंट की पेमेंट हो जाएगी 41,199 रुपीज़ की, और मेरे जैसे ही मैं प्रोसीड विद पेमेंट करूंगा तो मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और वो ओटीपी मैंने इधर दर्ज करना होगा। उसके बाद ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और जो आपने एड्रेस सेलेक्ट किया होगा ये उस एड्रेस पे आपको ये मोबाइल फ़ोन विद इन 8 वर्किंग डेज़ या विद इन 7 वर्किंग डेज़ तक आपको ये मोबाइल फ़ोन आपके घर या आपके ऑफिस, जो भी एड्रेस आपने सेलेक्ट किया होगा वहाँ पर आपको मौसूल हो जाएगा। उम्मीद है आज की जो मेरी ये वीडियो थी आप लोगों ने इन्जॉय की होगी और इसे पसंद किया होगा। मैं वीडियोस जो बनाता हूँ वो आप लोगों की गाइडेंस के लिए, ताकि आप लोगों को जितना फ़ायदा हो सके बैंकिंग चैनल्स को यूज़ करते हुए आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।